जबलपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र किल्हारी में मोर आवास मोर अधिकार की भाजपा का प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सरकार पर लगाया आरोप, ग्रामीणों के हक को मारने की कही बात। एमसीबी साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा ने एमसीबी जिले के किल्हारी में विशाल आम सभा का आयोजन किया, जहां राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदर्शन सरकार पर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। मोर छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता हनुमान प्रसाद यादव की रिपोर्ट। प्रशासन भी इनके साथ नाचता है, इनका एसडीएम और ये इनके विधायक, मुख्यमंत्री फावड़ा खेलता है, इनकी एक महिला विधायक है वो कबड्डी में चपटा जाती है और इनके यहाँ पर ये सड़क पर नाचते हैं। मुझे ये सरकार समझ में नहीं आता। मदारियों का पूरा मजमा लगा हुआ है, कोई सड़क पर नाचता है, कोई भागवत में नाचता है और तो और साथ में कलेक्टर और एसपी और एसडीएम भी नाचता है। सब नाचने का ही काम कर रहे हैं, नाचते ही रहेंगे। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि जनता का काम कब करोगे? सरकार जब ये काम करती है, प्रशासन ये काम करता है। अरे प्रशासन का काम है कि आपके यहाँ पर मोर आवास मोर अधिकार के लिए अभी हम एसडीएम कार्यालय घेरेंगे और एसडीएम कार्यालय इसलिए नहीं घेरने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको और हम गरीबों के लिए उन्होंने मकान बनाने का पैसा भेजा, छत्तीसगढ़ की सरकार को वो पैसा भेजा और कहा कि गरीबों के सिर पर छत हो, हम आधा पैसा से ज्यादा पैसा आपको देंगे, इसलिए आप मकान बनाइए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पैसा भेजा, छत्तीसगढ़ में पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भेजने के बाद चार साल बीत गए, चार साल, और चार साल में ये सरकार ने मकान नहीं बनाया। गरीबों को जो मकान मिलना चाहिए था और जिन लोगों को पैसा, जिन गरीबों को मकान के लिए व्यवस्था देनी थी